2024-25 में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपीज का एलोकेशन दिया है। स्टेशनों को हिमाचल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है। अब मंदौरा, बैजनाथ, पापरोला, पालमपुर हिमाचल और शिमला, इन चार स्टेशन का काम भी चल रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूपी के समय में मात्र 108 करोड़ साल का एलोकेशन होता था हिमाचल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2024-25 में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपीस का एलोकेशन दिया है। अगर आप इसको देखें तो ये यूपीए के समय से 25 गुना ज़्यादा है, 25 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 10-12-20% की बात नहीं है, यहाँ पे 25 गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा रेलवे के लिए एलोकेशन दिया है। जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसा आप जानते हैं हिमाचल में हो या जम्मू कश्मीर में हो या उत्तराखंड में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, हिमालय के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी एक अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। हिमालय यंग माउंटेंस है, तो यंग माउंटेंस होने के कारण बहुत ज़्यादा अंदर पत्थर नहीं है, बहुत अभी भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट है। जब टनलिंग करते हैं ऐसे सॉफ्ट स्ट्राटा में बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। इसके लिए नया एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, उसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड। बाकी जगह जहाँ पे चट्टाने होती है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहते हैं NATM। NATM के कंपैरिजन में अभी एक HTM के नाम से ये टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप हुई है। इसका अच्छा नाम मिला है नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह इसका अच्छा नाम मिला टेक्नोलॉजी का। बहुत सावधानी से काम हो रहा है और प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, चाहे भानुपल्ली बिलासपुर मेरी लाइन हो या नंगर डैम से तलवारा वाली लाइन हो और चंडीगढ़ बत्ती की लाइन हो, इन सब में अच्छी प्रोग्रेस अभी हो रही है। चार स्टेशनों को हिमाचल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है। अब मंदौरा, बैजनाथ, पापरोला, पालमपुर हिमाचल और शिमला, इन चारों स्टेशन का काम भी चल रहा है। और हिमाचल 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है हेरिटेज लाइन को छोड़ के। वो हेरिटेज लाइन को तो टच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें यूनेस्को हेरिटेज के सारे नियम लागू हो जाते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है।